नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं क्या है आज की फिल्मी खबर। कर रहे हैं, मैंने पहले भी बताया आपको कि एक अलग थीम पे बेस्ड है। तमाम गाने हम लोग आज शूट किए हैं पूनम जी के साथ, और जैसा कि आप लोग अब तक देखते आ रहे हैं भोजपुरी लोकगीतों को, आप इसको देखेंगे। मैं ये वादा करता हूँ, मैं ये करार करता हूँ कि आप लोग एक नई अनुभूति का अनुभव करेंगे, एक नया चीज़ आपको फील होगा, महसूस होगा, और एक नया फ्लेवर आपको भोजपुरी लोकगीत में देखने को मिलेगा। फिलहाल हमारा पिछला बहुत सारा शोज हिट रहा, जैसे कि मैं जिला टॉप में था, सुर संग्राम में था, उसके बाद मैं भैल बिहान को होस्ट किया, उसके अलावा हमारा कुछ और कंपनियों से एल्बम था जो कि भुरही बहार देती डगरी ये माई पगड़ी से, उसके अलावा था हमारा जिला गोरखपुर है, उसके अलावा जो हमारा गाना था हाल फिलहाल जब सूते ना देबू, और भी बहुत से ऐसे जो गाने थे जो लोगों ने काफ़ी सराहा। और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि ये जो गाना आ रहा है अभी आज जो हम लोग शूट कर रहे हैं, शायद एक कीर्तिमान बनाए, हर किसी को एक उम्मीद होती है, मुझे भी उम्मीद है, काम अच्छा हुआ है। अब रिस्पांस आप लोग कितना अच्छा देते हैं देखा जाएगा। एक गाना मैं गाया था, वो गाना मैं आपको सुना रहा हूँ। देखिए अभी माहौल भी चल रहा है बड़ा भक्तिमय माहौल, आने वाले त्यौहार हमारे अपने नवरात्रि हैं, और उसके बाद दशहरा आएगा, फिर दिवाली है, छठ माँ का पूजा का है, सबका है, तमाम हमारे बहुत अच्छे अच्छे त्यौहार हैं। तो एक हमारा देवी गीत बड़ा अच्छा हिट हुआ था, वो मैं आपको सुनाता हूँ। कि देखी नैना से रूप हम जुड़ाई गई हो, दुख गम सब हम अरे भुलाई गई हो, कि अपन अचरा के छाँव में तू रखी है माई, धन भाग बाटे दर्शन तोहर पाई गई हो, कि जनती जे माई अबू अरे जनती की माई अबू, हमारा तू नगरी पगरी से अब हो रही बहार देती डगरी ए माई पगरी से। इस गाने को काफी सराहा गया था और मैं आपको सुना दिया। एक बार पुनः आने वाले तमाम सभी त्योहारों का हमारे तरफ से आप सभी समाज को, भोजपुरी समाज को, पूरे हिंदुस्तान के वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग भोजपुरी से जुड़े रहिए, सपोर्टिव रहिए, और जितना हो सके इसको सही वे में आगे ले जाने के लिए पूरा अपना सहयोग दीजिए। अभी हम लोग शूट कर रहे हैं वीडियो एल्बम का, जो कि यूनिक म्यूजिक चैनल के थ्रू टेलीकास्ट होगा, और उसके लिए शूट चल रहा है। तो ये मेरा जो भी पारंपरिक परिधान है उसी के लिए है। किस तरह का ये एल्बम है जी? ये आप ये एक बहुत डिफरेंट टाइप का एल्बम है, इसमें हर गाने अलग शेड्स हैं, इसमें छेड़छाड़, प्यार मोहब्बत, शादी, विदाई और उसके बाद जुदाई, सारी चीज़ों के शेड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं, अभी मैं शादीशुदा लग रही हूँ, तो उसी टाइप का कॉन्सेप्ट है। अभी टोटल कितने गाने होंगे जी? जी इसमें टोटल 6 गाने हैं, शुरुआत छेड़छाड़ से होती है, फिर प्यार मोहब्बत, फिर शादी, फिर विदाई, फिर जुदाई। तो अभी जुदाई वाला गाना हम लोग करने जा रहे हैं। इस एल्बम के सिंगर कौन है और डायरेक्टर के टर्म्स जो आप टारगेट कर रहे हैं उनके बारे में? जी इस वीडियो एल्बम के सिंगर हैं जितेंद्र सिंह अंशु जी, और इसके हमारे कोरियोग्राफर डायरेक्टर हमारे रामदेवन सर हैं, जो कि भोजपुरी के बहुत चर्चित कोरियोग्राफर हैं, उनके सारे गाने हिट्स हैं, आपको सबको पता है। फिल्मों से आप एल्बम बना रहे हैं, कितना डिफिकल्ट है फिल्म के गानों शूट करने में और एल्बम के गाने शूट करने में? जी आप ऐसा बोल सकते हैं कि मायके से ससुराल, ससुराल से मैं मायके आ गई हूँ, मतलब कि मैंने शुरुआत एल्बम से किया था, उसके बाद मैंने बहुत सारी फिल्में की और एल्बम कर रही हूँ, ये भी मैं रामदेवन सर जी के लिए कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरे लिए एल्बम नया नहीं, हाँ बट इसके शेड्स नए हैं और मुझे करके बहुत अच्छा लग रहा है।
तो मेरे हीरो हैं वो बहुत दो तीन रियलिटी शोज़ के विनर रह चुके हैं। उनका नाम है जितेंद्र सिंह अंशु। फर्स्ट टाइम वो एक्टिंग कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक अच्छे मजे लड़के के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। नए हैं बट होपफुली वो बहुत अच्छा फ्यूचर होगा उनका, चॉकलेटी हीरो बनेंगे। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप अपनी पूनम दुबे पे ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा और हमारी फिल्मों को ढेर सारा प्यार दीजिए। लव यू, थैंक यू। फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।